विद्यार्थी जीवन में ही बच्चों में विकसित हुआ वैज्ञानिक दृष्टिकोण माँ भारती को परम वैभव तक पहुंचाएगा। जो काम समाज में बहुत पहले प्रारंभ हो जाना चाहिए था, वो काम कुछ वर्षों से विज्ञान भारती संस्था कर रही है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। ये उद्गार हमीरपुर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में विज्ञान भारती संस्था द्वारा आयोजित विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने व्यक्त किए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए उन्हें अपनी संस्कृति, भाषा और पूर्वजों के गौरवमय इतिहास से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि वर्षों की गुलामी के बाद हम लोग इतनी हीन भावना से ग्रस्त हो गए हैं कि स्वतंत्र भारत के शासकों ने राम सेतु को काल्पनिक बताने वाला हल्फनामा अदालत में दे दिया, जबकि सच्चाई तो ये है कि विश्व भर में वे हमारे पूर्वज प्रभु श्री राम थे, जिन्होंने समुद्र पर ही पुल बना दिया था, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। हमारे पूर्वजों ने रामायण काल में पुष्पक विमानों जैसे आवागमन के हवाई साधन बना लिए थे। ये हमारा गौरवमय इतिहास है। आज की पीढ़ी को अपना इतिहास जानकर उसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे वे अपना आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और अंततः देश को आगे ले जाने में योगदान देंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वे कभी उस पर गर्व महसूस नहीं कर सकते और ना ही उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा, तो वे राष्ट्र कैसे आगे बढ़ा सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपनी संस्कृति को समझकर जानकर उससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमारी वर्षों पुरानी संस्कृति ने विश्व के कई देशों को दिशा दी है, आगे बढ़ने की राह दिखाई है। जर्मनी सरीखे विश्व के महाशक्तिशाली देश संस्कृत भाषा में लिखे वेदों को अपने यहाँ ले गए। वहाँ के वैज्ञानिकों ने हमारे वेदों को पढ़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा ली। ये हमारी संस्कृति और हमारी भाषा का गौरव है, जिसका ज्ञान हमें होना चाहिए, लेकिन हम पाश्चात्य रंगों से आकर्षित होकर अपनी भाषा को ही भूल गए हैं। हमारे ही वेदों को हमने अंग्रेजी भाषा के मोह में बेदाग करना शुरू कर दिया है। योग को योगा, हमें अपनी गलती सुधारनी होगी। इसका सही माध्यम है जानकारी। जब हमें अपने गौरवशाली इतिहास, महान संस्कृति और भाषा का सही ज्ञान होगा, तभी हम उस पर गर्व महसूस कर अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकेंगे। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे वैज्ञानिक सोच रखने वाले नेता मिले हैं। भारत के वैज्ञानिक कोविड वैक्सीनेशन बनाकर न केवल देशवासियों की रक्षा करने में बल्कि विश्व के कई देशों को ये वैक्सीनेशन देने में सफल हुए हैं, तो ये प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सोच और दृढ़ संकल्पित नेतृत्व का परिणाम है, जो भारत को विश्व गुरु बनाकर माँ भारती को परम वैभव तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना महामारी से जिसे दुनिया त्रस्त है, उसकी रोकथाम के लिए 2 वैक्सीनेशन बना ली हैं और 4 वैक्सीनेशन और लगभग बनने को तैयार हैं। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। दुनिया ने कई महामारियों का प्रकोप झेला है, तब देशों के देश और दुनिया की महाशक्तियां संयुक्त रूप से उन परिस्थितियों से जूझती थी, और आज अकेला भारत ही न केवल अपने लोगों को बल्कि विश्व के कई देशों को इस बीमारी के प्रकोप से बचाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। विज्ञान भारती हमारे देश में एक कार्यक्रम चलाता है, इसके माध्यम से बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करना रुचि पैदा करना उद्देश्य है, और 6ठी से लेकर 11वीं तक के बच्चे आते हैं। आज हिमाचल प्रांत का एक कार्यक्रम था, सारे हिमाचल प्रदेश से जो बच्चे क्वालिफाई किए थे उनको सम्मानित किया गया, प्राइजेस दिए गए, सर्टिफिकेट दिए गए और कुछ को कैश प्राइज भी दिए गए। सर, नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, अब पार्टी चिन्ह पर चुनाव होंगे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अच्छा होगा, चुनाव के बाद हर पार्टी कहती है हमारे ज्यादा जीते, हम सबको आईलैंड देते रहेगा। वहाँ क्या मानते हैं सर, कितना स्टेक रहेगा इस बार का चुनाव? मैं भविष्यवाणी नहीं करता, जीत के लिए काम करता। इसके अलावा सर, आपके कार्यक्रम के दौरान जो है माननीय जो हमारे नरेंद्र मोदी है उनको आपने हनुमान जी का अवतार बताया, इससे पहले भी जो मंत्री महोदय है उन्होंने बताया, आप चेक करो, सुनो, अपने दुकान चेक कराओ, प्रोसीडिंग चेक करना। सर आपने मैंने कहा जो ब्राजील के राष्ट्रपति ने धन्यवाद किया, उन्होंने कहा जैसे हनुमान जी संजीवनी लेके आए थे लक्ष्मण के लिए, वैसे कोरोना के बचाने के लिए भारत से उन्होंने वैक्सीनेशन भेजा। इसके अलावा सर वैक्सीनेशन जो है, आपने कही यही था ना स्टोरी बना ली? नहीं नहीं सर, अभी नहीं बनाई, तभी तो आपसे बनाना पड़ता है।
सर वैक्सीनेशन की आपने बात कही, वैक्सीनेशन के ऊपर कुछ सवाल भी उठा रहे हैं विपक्षी जो दल है वो भी उठा रहे हैं,